आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन मुमताज़ की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बिना काजू और बादाम के बनाई जाती है। आप इसे अपने डेली के खानों में तो क्या, आप इसे दावत में भी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आसानी से बनती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले गैस के ऊपर एक बर्तन रखेंगे, इसमें डालेंगे हम आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे दो बड़े प्याज, जिसको हमने रफली स्लाइस कर लिया है। प्याज को यहाँ पर सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, इसमें लगभग 2 से 2.5 मिनट लगेगा। प्याज जैसे ही नरम हो जाएगी इसमें डाल देंगे 4 हरी मिर्च जो कम तीखी वाली है, इसको टुकड़ों में कट कर लिया है, इनको डालकर भी फ्राई कर लेंगे। और मिर्ची जैसे ही फ्राई होने लगेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे और इनको डालकर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। सभी मसालों को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 5 मिनट तक, और सभी चीज़ें यहाँ पर नरम हो गई हैं। तो यहाँ पर हम तेल को छोड़ देंगे, तेल को साइड में छोड़ दे जाएंगे और यहाँ पर हम सभी टमाटर प्याज हरी मिर्च को निकाल लेंगे। मसाले को निकालने के बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे इसी ऑयल में यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं, 6 से 7 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 सिलिमनिस्टिक का टुकड़ा मसाले इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चिकन, 1 kg चिकन लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको स्टेनर में रख दिया था ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। तो यहाँ पर इसको ऑयल के अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है, जब तक इसका अच्छी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर सुनहरा हो गया है। तो यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए तक इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुका है तो अब यहाँ पर डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा जीरा। नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर तक इनको भूनेंगे। मसालों को यहाँ पर अच्छे से भूनने के लिए 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। मसाले डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला था जिससे मसाले बहुत अच्छी तरह से भून जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ मसाला, जो हमने पीस कर रखा था उसको डाल देंगे चिकन के ऊपर। मसाले को मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें डाल देंगे हम दही। तो दही यहाँ पर हमने 1 कप ली है, वजन से आप देखेंगे 200 ग्राम दही है। दही जब आप डालें तो उसको पहले फेंट लें, उसमें बिल्कुल भी लम नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। दही के साथ अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है, दही ने भी काफ़ी पानी छोड़ा है, लेकिन इसको 3 से 4 मिनट आप दही डालकर भी भून लें। अब भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी, तो उसके लिए हमने मिक्सी का जार लिया है, उसमें 1/2 कप पानी लिया है ताकि हमें सारा मसाला मिल जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी को डालने के बाद। पानी जो यहाँ पर हमने लिया है तो 1 कप पानी लिया है। अब यहाँ पर इसमें बॉईल आने लगे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे पकने देंगे करीब 15 से 20 मिनट, जब तक कि चिकन पूरे तरीके से गल नहीं जाता। बीच में आप इसे चेक कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए चिकन को हो गए हैं 15 से 20 मिनट और यहाँ पर चिकन पूरे तरीके से गल चुका है। ग्रेवी भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर डालेंगे इसमें कुछ और चीज़ें, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून यहाँ पर क्रश की हुई कसूरी मेथी ली है, इसको भी डाल देंगे। 1/4 कप यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है फ्रेश क्रीम, ये डाल देंगे, इससे इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्रीम डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर, जिससे बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस के ऊपर रखेंगे एक तड़का पैन, इसमें डालेंगे 2 बड़े चमचे देसी घी, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें यहाँ पर हमने 5 से 6 ली हैं मिर्चें जो कि कम तीखी वाली हैं, और इसमें यहाँ पर हमने बीच में से इसको कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम यहाँ पर चिकन के अंदर डाल देंगे। तड़का लगाने के बाद इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर, और उसके बाद गैस को बंद करके आपको दिखाते हैं। 2 मिनट बंद गैस पर छोड़ दिया था इसको, और देखें यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार हुआ है। इसमें डालेंगे अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पर देखें कि इसकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है, और खुशबुएँ और ज़ायका तो आप जब ही जानेंगे जब इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पर बनाएंगे। तो ये टेस्टी सी रेसिपी आप अपने घर में बनाएं या किसी दावत के लिए ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारी रेसिपी किस मुल्क, किस शहर और किस वक्त से देख रहे हैं। आप सब लोगों का
तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें इतना सपोर्ट और इतना प्यार करते हैं। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।